एक फिनिशर मैच को खत्म करने वाले मूव से ज्यादा होना चाहिए। ये एक ऐसा मूव होता है जो एक रेसलर के किरदार और उनकी लेगेसी की पहचान भी बनता है। हालांकि फैंस को स्टोन कोल्ड स्टनर और द रॉक बॉटम जैसे फिनिशर्स बहुत पसंद आते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ रेसलर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत आम से फिनिशिंग मूव से भी अपने मैचेस जीते हैं। लेकिन इन सुपरस्टार्स ने अपने फिनिशिंग मूव्स को क्यों बदल लिए, इसके पीछे भी कुछ कारण थे। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम बात करेंगे 9 ऐसे WWE फिनिशर्स की जिसे अचानक बदलना पड़ा। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारी नई वेबसाइट wrestlemania.com भी जरूर देखें। नंबर 1, हिडियो इटामी गो टू स्लीप। ये GTS प्रो रेसलिंग के सबसे इनफेमस मूव्स में से एक है, क्योंकि CM Punk ने WWE में अपने करियर के दौरान अकेले ही इस फिनिशर को फेमस किया था। लेकिन केंटो नाम के एक जापानीज रेसलर ने GTS का इजाद किया था। हिडियो इटामी के तौर पर WWE में अपने रन से पहले केंटो इंडी सर्किट में सबसे शानदार जापानीज रेसलर्स में से एक थे, जिन्होंने मित्सुहारू मिसावा जैसे लेजेंड्स के खिलाफ क्लासिक मैच किया था। इसी फ्यूड में GTS पहली बार इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद से ये केंटो का जाना माना फिनिशर बन गया। इसके बाद 2014 में केंटो ने NXT के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन इस समय तक CM Punk कंपनी से जा चुके थे और इसलिए WWE ऑफिशियल्स केंटो को ये मूव नहीं करने देना चाहते थे, क्योंकि इससे फैंस को CM Punk की याद आती थी। लेकिन समय के साथ ट्रिपल एच ने इस मूव का काफी बिल्डअप किया और आखिरकार NXT टेकओवर ब्रुकलिन 2 में हिडियो ने ऑस्टिन एरीज पर ये मूव इस्तेमाल किया। इसके बाद से ये इटामी का फिनिशर तब तक बना रहा जब तक उन्हें मेन रोस्टर में नहीं डाला गया। उन्होंने ब्रायन केंड्रिक पर एक बार GTS का इस्तेमाल किया, जिसके बाद केंड्रिक बुरी तरह से इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से इटामी को वापस GTS इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं दी गई। हाई स्पोर्ट्स वर्चुअल गिमिक टेबल शो पर अपने अपीयरेंस के दौरान ब्रायन केंड्रिक ने इस हादसे के बारे में बात करी और उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस हादसे के बाद इटामी ने उनसे माफी भी मांगी थी, लेकिन WWE ऑफिशियल्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और अगले 4 सालों तक इटामी को अपने ही मूव के इस्तेमाल को बैन कर दिया गया, जिसके बाद 2017 में उन्होंने WWE को छोड़ दिया। केंटो कंपनी में बिताए हुए समय के बारे में अक्सर बात करते रहते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके लिए सबसे खराब अनुभव वही था जब उन्हें उनके ही बनाए गए मूव्स को इस्तेमाल करने से मना करा गया था। नंबर 2, समोआ जो मसल बस्टर। बैंड मूव्स की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। मसल बस्टर और समोआ जो का नाम एक साथ ही लिया जाता है। समोआ जो ने इस फिनिशर के साथ बहुत सारे मैचेस जीते हैं, जिनमें से एक लॉकडाउन 2008 में कर्ट एंगल के खिलाफ उनका TNA वर्ल्ड टाइटल मैच भी एक था, जब जो 2015 में WWE में आए। उसके बाद भी वो इस मूव का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन फिर एक हादसा जिससे टाइसन किड का करियर खत्म हो गया, उसकी वजह से मसल बस्टर मूव को बैन कर दिया गया। जून 2015 में किड और जो का एक मैच हुआ था, जिसमें जो ने अपना मसल बस्टर फिनिशर इस्तेमाल किया था। किड को इस मूव की वजह से एक नेक इंजरी हुई, जिसके तुरंत बाद उनकी सर्जरी हुई। अच्छी बात ये थी कि इस जानलेवा इंजरी के बावजूद भी किड ठीक हो गए, जिस इंजरी से केवल 5% लोग ही बच पाते हैं। समोआ जो ने इस हादसे के बाद भी कई बार मसल बस्टर का इस्तेमाल किया था, जैसे कि फिन बैलर और शिंसुके नाकामुरा के खिलाफ अपने मैचेस में। लेकिन जो का मेन फिनिशर अब कोकीना क्लच बन गया था, जो उनके स्टाइल के साथ अच्छा तो लगता था, लेकिन मसल बस्टर की तरह असरदार और बेहतरीन नहीं था। नंबर 3, क्रिस जेरिको लाइन टेमर। द लाइन सॉल्ट और लाइन टेमर कई सालों से क्रिस जेरिको के मूव्स रहे हैं, और फिर समय के साथ ही लाइन टेमर धीरे धीरे एक आम बॉस्टन क्रैब में बदल गया, जिसको वॉल्स ऑफ जेरिको कहा जाने लगा। जेरिको के लाइन टेमर मूव को कभी बैन नहीं किया गया, क्योंकि वो कभी कभी अपने ओरिजिनल मूव का इस्तेमाल करते रहते थे, लेकिन खुद क्रिस जेरिको ने बताया था कि ये मूव बड़े ओपोनेंट्स पर इस्तेमाल करना मुश्किल होता है, इसलिए वो उसकी जगह बॉस्टन क्रैब का इस्तेमाल करते थे। और क्रिस जेरिको WCW क्रूजरवेट डिवीजन में खुद ही काफी बड़े थे, इसलिए उन्हें वहां इस मूव का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये समझा जा सकता है कि जेरिको ने WWE के बड़े रेसलर्स की वजह से क्यों अपना मूव सेट बदल दिया, अब भले ही वो बदलाव बॉस्टन क्रैब का एक वर्जन ही क्यों ना हो। नंबर 4, रैंडी ऑर्टन द पंक केक। रैंडी ऑर्टन WWE के एक वेटरन है, जिनका करियर कई WWE के कई इराज तक बरकरार था। उनका RKO सबसे फेमस मूव्स में से एक है। ये एक खतरनाक फिनिशिंग मूव है, जिसका इतने सालों में बहुत सारे वर्जन हम देख चुके हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ऑर्टन ने इससे भी कुछ खतरनाक फिनिशिंग मूव का इस्तेमाल किया था, जो इतना खतरनाक माना जाता है कि विंस मैकमैन ने उस फिनिशर को बैन ही कर दिया था। हालांकि ऑर्टन उस मूव को वापस लाने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था, ताकि ये रिक फ्लेयर और शॉन माइकल्स जैसे रेसलर पर इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि अगर ये मूव थोड़ा भी गलत हुआ तो इससे भारी नुकसान हो सकता है। नंबर 5, डीन एम्ब्रोस डर्टी डीट्स।
डीन एम्ब्रोस हमेशा से ही WWE का एक इंटरेस्टिंग हिस्सा रहे हैं। सर्वाइवर सीरीज 2012 के मेन इवेंट में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के साथ डेब्यू करके डीन ने जल्द ही ऑडियंस पर अपना असर डाल दिया था। एम्ब्रोस के मूव्स उनके किरदार के लिए बिल्कुल सही थे, जो खुद अजीब पागल पिटबुल जैसे थे, जो एक फाइटर से बिल्कुल अलग है। और इसलिए जब उन्होंने अपना ओरिजिनल डर्टी डीड्स, जो एक हेडलॉक ड्राइवर है, ये मूव इस्तेमाल किया तो सबको ये एक सिंपल फिनिशिंग मूव लगा, जो उनके किरदार के लिए बिल्कुल ठीक था और ये खतरनाक भी लगता था। लेकिन समय के साथ डर्टी डीड्स एक आम सा अंडरहुक डीडीटी बन गया। एक तरफ ये मिक फॉली के लिए अच्छा ट्रिब्यूट था, जिनके साथ वो अपना डेब्यू में मैच करने वाले थे। लेकिन आखिरकार ये बदला क्यों गया? इसकी वजह रैंडी ऑर्टन और उनकी हाइट है। फाइटफुल के साथ एक इंटरव्यू में एम्ब्रोस ने बताया कि हेडलॉक ड्राइवर शानदार होता है अगर आपके सामने एक सही रेसलर है तो। ये सबसे खतरनाक और कूल पाइल ड्राइवर की तरह दिखने वाला मूव है, लेकिन जब ओपोनेंट आपसे लंबा हो, जो कि WWE में मुझसे लंबे काफी रेसलर हैं, तब ये बहुत अजीब और बेहुदा लग सकता है। मैंने रैंडी ऑर्टन पर इसे एक बार इस्तेमाल किया था, जिनकी हाइट मुझसे काफी लंबी है, और वो बहुत अजीब था। मैंने सोचा बस हो गया, मैं ये मूव बदल रहा हूँ। नंबर 6, केविन ओवेंस पॉप अप पावर बॉम्ब। NXT चैंपियनशिप में सैमी ज़ेन की बड़ी जीत के बाद अचानक ही केविन ओवेंस का हील के तौर पर NXT में डेब्यू बहुत हैरान कर देने वाला था। ओवेंस ने ज़ेन को रिंग एप्रोन पर एक पावर बॉम्ब दिया, जिसकी वजह से सबको ये चिंता होने लगी कि ज़ेन को सीरियस इंजरी हो गई है। ओवेंस के पावर बॉम्ब को एक खतरनाक फिनिशिंग मूव की तरह बिल्डअप दिया गया था, जिससे जॉन सीना, डेनियल ब्रायन और शेन मैकमैन जैसे रेसलर्स भी इंजर्ड हो चुके थे, और शायद इसीलिए इस मूव को एक सिग्नेचर मूव बना दिया गया। ये मूव स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के लिए बिल्कुल सही था, और हालांकि ओवेंस इसे हमेशा बिल्कुल अच्छे से करते थे, लेकिन फिर भी ये कभी पॉप अप पावरबॉम्ब जितना खतरनाक नहीं लगा। वो फिनिशर न केवल देखने में अच्छा था, बल्कि उससे केविन ओवेंस को एक मेन इवेंटर के तौर पर अपनी पहचान मिली थी। उम्मीद है कि उन्हें ये मूव अपने फिनिशर के तौर पर जल्द ही वापस मिल जाए। नंबर 7, रिकोशे डबल मूनसॉल्ट। रिकोशे WWE में आने से पहले काफी वाइल्ड थे। अगर आपको लगता है कि अभी उनके मूव्स बहुत अच्छे हैं, तो ल्यूचा अंडरग्राउंड के उनके कुछ मैचेस देखिए, या फिर न्यू जापान प्रो रेसलिंग में विलो स्प्रे के साथ उनका फेम मैच ही देख लीजिए। रिकोशे एक ह्यूमन हाईलाइट रील है, लेकिन इसमें कोई हैरानी नहीं है कि 2018 में अपना WWE कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उन्होंने अपने मूव्स थोड़े हल्के कर लिए थे, लेकिन कभी कभी रिकोशे अभी भी अपने पुराने इंडी मूव्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 2018 NXT वॉर गेम्स में उनका ये डबल मूनसॉल्ट। रिकोशे का फिनिशिंग मूव वैसे तो 630 है, लेकिन इंडी सर्किट में ये डबल मूनसॉल्ट ही उनका फिनिशर हुआ करता था। ये मूव देखने में ही इतना खूबसूरत और असरदार लगता है, और ये 630 से कई ज्यादा अच्छा मूव भी है। लेकिन क्रिस वैन के साथ एक इंटरव्यू में रिकोशे ने बताया था कि वो इस मूव के रिस्क की वजह से अब ये मूव करना नहीं चाहते। सच कहूँ तो शायद डबल मूनसॉल्ट, और सच में अभी भी मैं ये मूव कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, लेकिन मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। मैंने एक बार केज में ये किया था। मुझे इसको करने के लिए कुछ समय तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल अब ज्यादा नहीं करता हूँ। मुझसे कुछ दिन पहले ही पूछा गया था कि मैंने आखिरी बार ये कब किया था, और मैं बता नहीं सकता कि मैंने आखिरी बार डबल मूनसॉल्ट कब किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता। NXT में केज के ऊपर से करने के अलावा उससे पहले रिंग में भी कब किया था, मुझे नहीं पता। नंबर 8, सेथ रॉलिंस कर्ब स्टॉम्प। क्या आपको याद है वो समय जब WWE ने सेथ रॉलिंस से उनका मूव कर्ब स्टॉम्प छीन लिया था? रिपोर्ट्स के मुताबिक विंस मैकमैन ने इस मूव को बैन करने का फैसला किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि छोटे बच्चे इस मूव की आसानी से नकल कर सकते हैं। हालांकि ये मूव कुछ समय से बैंड है, लेकिन कर्ब स्टॉम्प रॉलिंस के लिए बिल्कुल सही मूव था। ये एक डरपोक हील के तौर पर उनके लिए अच्छा मूव था, क्योंकि वो कहीं से भी आकर ये फिनिशर इस्तेमाल कर सकते थे। एक बेबी फेस के तौर पर भी उनके लिए ये एक असरदार फिनिशर था, क्योंकि ये मूव हमेशा ही बहुत खतरनाक और कूल लगता था। नंबर 9, ट्रिपल एच ओरिजिनल पेडिग्री। ट्रिपल एच के पेडिग्री मूव पर उनकी मास्टरी की वजह से वो अपने WWE करियर में बहुत सारे मैचेस जीते हैं, और उन्हें बहुत तारीफ भी मिली है। ये मूव उनके नाम के साथ जुड़ गया है, और इस मूव की वजह से ही वो प्रो रेसलिंग के सबसे महान रेसलर्स में शामिल हो गए हैं। लेकिन WWE में उनके आखिरी कुछ सालों में हमने जो पेडिग्री देखा, वो उनके ओरिजिनल पेडिग्री से बिल्कुल अलग था। फैंस को उनके इस खतरनाक मूव की झलक तब दिखी जब उन्होंने WWE सुपरस्टार्स पर मैटी गार्नर के खिलाफ मैच किया था। ओपोनेंट के हाथ को हुक करने के बाद उसके पूरे बॉडी को टॉप पर छोड़ने की जगह ट्रिपल एच अपने ओपोनेंट का सर सीधे मैट पर मारते हैं, जिससे गार्नर की गर्दन इंजर्ड हो गई थी। उसके बाद से ट्रिपल एच ने अपना मूव बदल दिया था, और ये उनके लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि WWE में कुछ रेसलर्स बहुत बड़े थे, और ट्रिपल एच के लिए उनका सर एक पाइल ड्राइवर के साथ मैट पर पटकना बिल्कुल नामुमकिन ही होता। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 9 फिनिशर्स जिन्हें अचानक ही बदलना पड़ा। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं।
और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कॉन्टेंट के साथ।